अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई लोग। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। मेरे साथ दो भाई हैं जो कि तलाबाज से जुड़े हुए काफ़ी लंबे टाइम के साथ, है ना? ऐसी ही बात है। नहीं, हमें 3 मंथ हुए। आपको 3 मंथ हुआ? 3 मंथ। अरे है, 3 ही मंथ से जुड़े हुए लंबे टाइम वाले नहीं है ये। चलो, ये जो नए नए अपने अपने मुल्क से यहाँ आ रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, क्योंकि नए नए हैं ये। जो भी बताएंगे सच बताएंगे, जो पुराने होते हैं ना झूठ बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अपनी सैलरी ज़्यादा बता देंगे, टाइमिंग अच्छी बता देंगे, ये बता देंगे। शुरू वालों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, आप बताइए भाई कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं शुरू में। मतलब जैसे कि ट्रैफिक रूल्स अलग होते हैं, जैसे पहले बताओ आप कहाँ से हो। मैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से जैसे वहाँ के ट्रैफिक रूल यहाँ के ट्रैफिक रूल अलग हो गए, वो दिक्कत हो गया बहुत। वहाँ लेफ्ट में ड्राइव करते हैं या राइट में ड्राइव करते हैं, वो दिक्कत होगी, है ना? बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा ये है कि हमें वहाँ पर बताया गया था बेसिक सैलरी के मुताबिक। हाँ, ये देखो, ये एक चीज़ मैं बार बार अपनी वीडियोस में ही बताता रहता हूँ कि देखो, जो एजेंट होता है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ज़्यादातर इन्हीं कंट्रीज में, ये क्या कहता है कि आपको कुछ और वादा करता है, प्रॉमिस कुछ और करता है आपको कि भैया आपकी बेसिक सैलरी होगी 1500, 1200 या 1800 जो भी बोलता है, और उसके ऊपर से आपको ओवर टाइम मिलेगा, टिप मिलेगा, और वो बता करके 2-2.5 हज़ार ले जा लेता है। तो देखो, थोड़ा उससे बच के रहें। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अब 90% तो भैया क्या वो क्या कहते हैं उसको, डिलीवरी बेसिस पर हो गया है कि आप कमीशन बेसिस, हाँ कमीशन बेसिस पर होगी कि जितने आप ऑर्डर ले जाओगे उतना ही आप कमाओगे। बिल्कुल ऐसा ही। और ये है कि ऑर्डर तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमें 3 माह हो गए। हाँ, और 3 माह में तकरीबन डेली बेसिस पे जो हमारे ऑर्डर निकल रहे हैं वो यहीं 5-6-7 यही हमारी एवरेज जा रही है। कुछ भाई बंद मेरे ऐसे जो सऊदी में हैं और यूएई में हैं, वो चाह रहे थे कतर मूव कर दें। भाई, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप है ये सिर्फ 1 महीने का है, और ये सिर्फ हवाबाजी है। जब वहाँ यहाँ पर वर्ल्ड कप शुरू होगा तो ये हर रोड ब्लॉक कर देंगे। अगर कॉर्निश में सपोज़ उसके आसपास वर्ल्ड कप हो गया, पूरी कॉर्निश ब्लॉक कर देते हैं। अगर वो अलवकीर के साथ उधर हो गया वो ब्लॉक कर देंगे, तो ऑर्डर वैसे ही रहेंगे जैसे आ रहे हैं। तो थोड़ा जो अगर यूएई में है, जो सऊदी में है, बहरीन में है, वो वहीं रहें, जल्दबाजी ना करें आने की। अगर आपको आना है तो वर्ल्ड कप के बाद आए ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। आना भी है अगर तो आज़ाद वीज़े पे आए, क्योंकि यहाँ पे इसकी कंपनी वगैरह में कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो सर, नमस्ते, आपका ऑटोग्राफ मिलेगा सर? प्लीज़ एक प्लीज़ सर, हम बड़ी दूर से आए दूसरे रेस्टोरेंट में सर, प्लीज़। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। प्लीज़ सर, हम लाइन में लग रहे हैं यहाँ पे आपके। बीच बीच में ऐसा फन भी होना चाहिए, कब तक सीरियस बातें रहे। हाँ भाई, कुछ पते की बात बता रहे थे आज़ाद वीज़ा का। तो देखो भाई, आज़ाद वीज़ा थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, मुझे लगता है पाकिस्तान में कतरे का 12 हज़ार होता है, पाकिस्तान में कुछ कितना हो जाएगा? तकरीबन 5.5 लाख का। तलाबाद भी तो 4.5 लाख ले रहे हैं यार, तो 4 हज़ार और डाल के आप क्यों नहीं अपना वो कराते? ये भी है, पते की बात है। और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आप ये बताओ बस, कि यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, जो वेदर अलग है, क्या क्या रूल्स अलग है, खाने का प्रॉब्लम है, रहने का है, क्या ऐसी क्या दिक्कत है? खाने का प्रॉब्लम तो है नहीं, कंपनी हमें दे रही है। चलो, ये मंथ है हमें उन्होंने दिया है, जब से हम खुद खा रहे हैं। अच्छा, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। रिहायश उनकी ठीक है, कोई कह नहीं सकते। हाँ, रहने की जगह उनकी ठीक है, रहने की जगह भी ठीक है, लेकिन मेन इशू जो है वो है ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है और राइडर बहुत हो गया यहाँ। हाँ, ये मैं उन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि जो वीज़ा भेजे जा रहे भाई ना करो, जो ऑलरेडी यहाँ कर रहे हैं काम उनको काम मिलने दो। आप खाली बुलाए जा रहे हो लोगों को, ऐसा मत करो। आपको ऊपर वाला अल्लाह देख रहा है, ऐसे ना करो कि सभी को बुलाए जा रहे हो। आप एक छोटे से मुल्क को भरे जा रहे हो, कितना सा है यार, एक छोटा सा देश है ये, इतना अपना शायद स्टेट होगा एक, बोलो कराची तो एक पूरा स्टेट शायद इतना कतर के बराबर होगा, और इसमें आपने भरे जा रहे और बुलाए जा रहे, तो ना बुलाओ भाई। जो लोग आना चाह रहे हैं तो समझ के आए, मैं यही कहूँगा उनको कि वर्ल्ड कप के बाद ही आए। वो वर्ल्ड कप एक हवा है, पता नहीं है कि वर्ल्ड कप ख़त्म होते ही पता चला कि लोगों के वीज़ा ख़त्म, ऑर्डर ख़त्म या गेस्ट ख़त्म, तो थोड़ा संभल के रहें। और कुछ भाई? चलो,
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। सर प्लीज साइन, अभी तो भी लगा है यार, वो पेन नहीं है यार। सर थैंक यू, लीजिए सर प्लीज। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू सो मच।